शुरू करते हैं आज का न्यूज। तो ये देखिए, कल वाली न्यूज है, उसका थोड़ा अपडेट आया है कि सीजर ऑफ कार्गो बाय इंडिया अनजस्टिफाइड था। तो पाकिस्तान का जो ये कार्गो जा रहा था, इसको इंडिया ने क्या किया था, सीज कर लिया था मुंबई में। उसी बारे में बोला है, पाकिस्तान हैज कंडेम्ड इंडियाज हाई हार्डनेस ओवर द सीजर ऑफ डुअल यूज आइटम्स बाउंड फॉर कराची फ्रॉम चाइना, सेइंग दैट द स्पेसिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट क्लियरली इंडिकेट इट्स प्योरली कमर्शियल यूज। तो ये कह रहे हैं क्या कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, इंडिया ने कड़ा रुख अपनाया है इस चीज को लेके, मतलब कि उनके कार्गो को जब्त कर लिया गया। इसलिए कह रहा है कि उस जो मतलब कार्गो आ रहा था कराची के लिए चाइना से, तो उसमें तो स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ था, मतलब उस मशीन के बारे में लिखा हुआ था कि ये मशीन जो है किस यूज के लिए है और ये कमर्शियल पर्पस के लिए है। उनका कहना था कि हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं ना, उनके पार्ट्स बनाने के लिए ये यूज होता है, इसलिए हम इस मशीन को मंगा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये एक न्यूज देखिए। है तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज, लेकिन आपको ये ऐसे पेपर के जो है, जिस पेपर में जो है, ऐसे पेपर में ये आपको आ सकता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन पे ऐसे अगर आ जाए आपको, ठीक है ना। तो क्या लिखा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, समझते हैं। देखिए, कहता है प्लास्टिक इज यूबीक्विटस एवरीवेयर। तो प्लास्टिक क्या है, सभी जगह है। यूबीक्विटस मतलब सभी जगह पाया जाता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइएस्ट माउंटेन। जो माउंटेन है, तो माउंटेन का जो हाइएस्ट रीजन है वहां से लेके, और डीपेस्ट ऑफ द ट्रेंच इन द ओशियन, जो ओशियन में सबसे गहरा वाला पार्ट है, डीपेस्ट ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में जो है, तो वहां तक भी कचरा पाया जा रहा है, इतना फैल रहा है कचरा। इट इज फाउंड इवन इनसाइड द ह्यूमन लंग्स, आदमी के लंग्स में भी पाया जाता है। उसके बाद प्लेसेंटा, जो बच्चा पल रहा है, वहां भी प्लास्टिक पाया जा रहा है। माइक्रो प्लास्टिक्स आर फॉर्म्ड बाय द डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज प्लास्टिक पीसेस दैट आर इम्प्रॉपरली डिस्पोज्ड। तो माइक्रो प्लास्टिक कैसे बनता है, तो जब प्लास्टिक का डिग्रेडेशन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, तो अगर उसका प्रॉपर तरह से डिस्पोज नहीं होता है, तो ये माइक्रो प्लास्टिक बन के और पूरे इन्वायरमेंट में फैलता है, फिर हमारे बॉडी में आता है, मछली में आता है, पूरा इन्वायरमेंट में फैलता है। फिर कहता है माइक्रो प्लास्टिक डिपोजिशन एंड एक्यूमुलेशन। तो माइक्रो प्लास्टिक का जो डिपोजिशन होता है, जमा होता है, और इसका एक्यूमुलेशन होता है, इकट्ठा होता है, तो हैज बीन फाउंड इन द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय के माउंटेन्स, वहां पे रिवर्स में, लेक्स में, और स्ट्रीम्स, झरना, यहाँ भी पाया जाता है। दिज माइक्रो प्लास्टिक्स कैन बी ट्रैप्ड इन ग्लेशियर्स। और ये माइक्रो प्लास्टिक क्या करता है, ग्लेशियर में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है बहुत लंबे समय के लिए, और फिर जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो क्या करता है, तो नदी में ये प्लास्टिक चले जाता है। फिर कहता था हिमालयन रीजन इज क्रिटिकल सोर्स ऑफ वाटर। और आप लोगों को पता होगा कि इंडियन हिमालय क्या है, वाटर के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक ना, जो क्या करता है, फीडिंग ए नंबर ऑफ मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे नदियों को क्या करती है, पानी यही प्रोवाइड करता है हिमालयन रीजन, जैसे इंडस नदी, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सब। कहता है कि अनसाइंटिफिक प्लास्टिक डिस्पोजल, मतलब अगर साइंटिफिक वे से प्लास्टिक का डिस्पोजल नहीं करेंगे तो क्या होगा, सॉयल और वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक ना, इंडियन और हिमालय रीजन में। उसके बाद हमारे बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, तो जो फ्रेश वाटर सोर्स है उस पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, और जो उस नदी को पानी को पीते हैं उस पे भी ये असर करता है, उसके भी बॉडी में प्लास्टिक जाता है। कहता है रैपिड एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। देखिए, कहता है कि तेजी से जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण, तो प्लान्ड हो रहा है, प्लान नहीं, अनप्लान्ड, कहीं भी मतलब घर द्वार कुछ भी बना दिए। और कहता है चेंजिंग प्रोडक्शन और प्रोडक्शन चेंज और कंजम्पशन पैटर्न, मतलब कि फसल कब उगाना है और कहाँ उगाना है, उसके बाद क्या खाना है, नहीं खाना है, इसकी वजह से भी क्या हो रहे हैं, प्लास्टिक जो है फैल रहे हैं, और प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस जो है इंडियन हिमालय रीजन में बढ़ते जा रहा है। और खास करके जो टूरिस्ट फुटफॉल्स, मतलब टूरिस्ट की संख्या बढ़ने से भी ये प्रॉब्लम्स और बढ़ रही है।
मतलब कि जैसे टूरिस्ट आया, कुरकुरे खाया, कुछ बिस्किट्स खाया, उसका रैपर जो है फेंक दिया वहीं आसपास में, पानी का बोतल पिया फेंक दिया आसपास, वो क्या कचरा जमा होते जा रहा है। तो टूरिस्ट की वजह से भी क्या हो रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन फैल रहा है। तो ऑलमोस्ट ऑल द माउंटेन स्टेट्स, तो जितने सारे स्टेट जो माउंटेन के पास हैं या आसपास हैं, वो सब सेम सिमिलर सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। जैसे कहता है कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इन्होंने नोटिस जारी किया था किसको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और हिमाचल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डेप्यूटी कमिश्नर लाहौल एंड स्पीति, ये लद्दाख में रीजन है ठीक ना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के पंचायत है कोकसार ठीक ना, तो यहाँ पे नोटिस जारी किया एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, क्यों किस चीज के लिए, तो ऑन वेस्ट डंपिंग इन इको सेंसिटिव एरियाज बाय टूरिस्ट एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। तो जो टूरिस्ट के द्वारा जहाँ कचरा फैलाया जा रहा है, जो एरिया इको सेंसिटिव जोन है, इस चीज पे नोटिस जारी किया था। अब कहता है कि असम में एक जगह है दीपोर बिल ठीक ना, ये एक रामसर साइट है असम में, दीपोर बिल याद रखिएगा, लोकेशन भी पूछ सकता है। तो ये क्या है, ग्रेटर एडजेंट स्टॉक्स हैव बीन फीस्टिंग ऑन द प्लास्टिक वेस्ट इन द लैंडफिल इंस्टेड ऑफ फिश फ्रॉम द वेटलैंड्स। तो ये क्या है, वेटलैंड्स है रामसर साइट, अब यहाँ पे कचरा जमा होते जा रहा है, तो मछली जो वहाँ है, तो मछली में भी क्या हो रहा है, कचरा जाते जा रहा है उसके बॉडी में, और वही मछली को खा रहा है लोग, तो क्या खा रहा है, प्लास्टिक को ही समझिए खा रहा है। और कहता है मणिपुर, मणिपुर में क्या है, तो ग्रोइंग पॉल्यूशन इन रिवर्स, वहां की नदी जो है एक, उसका नाम है नाम्बुल, नाम्बुल नदी कहाँ पे है, मणिपुर में है। वहां पे क्या हो रही है, तो रिवर में पॉल्यूशन फैल रहा है प्लास्टिक के वजह से। उसके बाद हिमालयन क्लीनअप, जो इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है हिमालयन क्लीनअप 2018-21 में क्या हुआ, कंडक्ट किया गया था किसके द्वारा, इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ इसमें, जैसे जीरो वेस्ट हिमालयाज, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया, वेस्ट एंड ब्रांड, तो ये सब क्या हुआ, सब मिलके मतलब इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव किया गया था हिमालयन को साफ सुथरा करने, 2018 से 2021 के बीच। इसमें क्या देखा गया, इंक्रीजिंग प्लास्टिक वेस्ट का बढ़ावा देखा गया, खास करके नॉन रिसाइकलेबल्स इन द इंडियन हिमालयन रीजन, मतलब खास करके ऐसा प्लास्टिक जो नॉन रिसाइकलेबल, मतलब जैसे एक प्लास्टिक होता है रिसाइकल, प्लास्टिक यूज करके आप फेंक दिए, फिर उसको कंपनी जो है प्लास्टिक रिसाइकल कंपनी फैक्ट्री में डाल के उसको सही करके फिर से उसको यूज करते हैं। फिर है हिमालयन क्लीनअप, फिर 2022 में किया गया, इसमें वेस्ट ऑडिट, मतलब इसमें रिपोर्ट दिया गया, क्या देखा गया कि 92.7% ऑफ ट्रेस वाज प्लास्टिक, तो 92% प्लास्टिक क्या क्या था, जमा था वहां पे, मतलब जो कचरा हुआ हिमालय रीजन में किसकी वजह से, तो 92% अकेले प्लास्टिक की वजह से, और जिसमें 72% क्या था, नॉन रिसाइकल प्लास्टिक था जो रिसाइकल नहीं हो सकता था। अब आगे देखते हैं, प्लास्टिक वेस्ट वर्सेस मैनेजमेंट कैपेसिटी, हर साल कहता है कि देयर इज ए डे व्हेन द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट सरपासेस द कैपेबिलिटी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनेज दिस, तो जितना हमें मैनेज करने का कैपेसिटी है उससे ज्यादा प्लास्टिक फैलेगा। मान लीजिए कि हमको कैपेसिटी है 100 kg प्लास्टिक का रिसाइकल करना या उसको अच्छे से डिस्पोज करना, लेकिन उससे ज्यादा कचरा फैलना दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। कहता है इन्वायरमेंट एक्शन स्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए तो जो जापान है उसके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन्वायरमेंट एक्शन लिया गया, और इसे क्या बोला गया, प्लास्टिक ओवर शूट डे, ये दिनों दिन जो फैल रहा है इसको बोलते हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे। इंडिया में जो है कब मनाया जाता है, 6 जनवरी को प्लास्टिक शूट डे मनाया जाता है, विच इज शॉकिंग स्पेशली एज द ईपीआर पोर्टल ऑफ सीपीसीबी, मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक पोर्टल है ईपीआर, उन्होंने क्या क्लेम किया कि देयर इज ए सिस्टमिक एबिलिटी टू डील विथ प्लास्टिक वेस्ट, कि हमारे पास सिस्टमेटिक एबिलिटी है कि प्लास्टिक वेस्ट को कैसे डील किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा, और इतना इंडिया का जो वेस्ट मैनेजमेंट है बेकार है कि वर्ल्ड के टॉप पे है,
मतलब 98.5% जो है वेस्ट मैनेजमेंट होता ही नहीं है, सिर्फ 1.5 या 2% जो है मैनेजमेंट हो पाता है, विच इज द गैप इन वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड प्लास्टिक कंजम्पशन। तो कहता है कि जो क्या है, तो गैप इन द वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी और प्लास्टिक कंजम्पशन। तो जो प्लास्टिक हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और जो वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, इसके बीच क्या है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब कि जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा तो कचरा हमारा क्या हो रहा है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। हाँ, स्प्रेड हो। अब कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्लेम किया, इट रिसाइकल 60% ऑफ प्लास्टिक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं कि हम 60% प्लास्टिक वेस्ट को क्या करते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं। इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डन बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट यूजिंग CPCB डेटा, इंडिया इज मेरली रिसाइकलिंग 12% ऑफ इट्स प्लास्टिक वेस्ट। तो कहता है कि लेकिन डेटा जो है वो क्या कहता है कि सिर्फ 12% जो है प्लास्टिक वेस्ट का रिसाइकल हो रहा है। कुछ देखते हैं लीगल चीज, कानूनी क्या चीजें हैं वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, इसको समझते हैं। कहता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट SWM 2016 में आया, उसके बाद आया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट PWM, ठीक ना, ये आया 2016 में, और एक आया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR 2022 में। तो कहता है कंस्टिट्यूट्स द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फॉर इंडिया। तो इंडिया में वेस्ट मैनेज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेजमेंट करने के लिए ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2022। अब कहता है कि स्टेट्स अक्रॉस द इंडियन हिमालय रीजन, तो इंडियन हिमालय रीजन में जितने सारे स्टेट्स हैं सब में क्या हो रहा है, टेकिंग वेरियस इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द इनएक्टिव लॉ टू कर्व दिस मेनेंस। तो ये जो मेनेंस है, ये जो मतलब आप क्या बोलते हैं उसको, आपदा है, इस पे प्रतिबंध लगाने के लिए क्या किया गया, सभी ने लॉ को इनेक्ट करने के लिए शुरुआत की। जैसे बात करें हिमाचल प्रदेश और सिक्किम की बात करें, तो इसके पास स्पेशल स्टेट लॉज है जिन्होंने क्या किया, बैनिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक, इन्होंने प्लास्टिक को बैन कर दिया यूज करने से। कहता हिमाचल प्रदेश ने फिर क्या किया, बायबैक पॉलिसी लाया, किस चीज के लिए जी, तो जो नॉन रिसाइकल प्लास्टिक है और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, मतलब एक बार यूज किया और प्लास्टिक को फेंक दिया, इसको अगर मतलब इसको अगर इसको सरकार जो है रिटर्न लेगी और उसके बदले में पैसे देगी। तो 2019 से चालू किया गया इस चीज को। कहता बट देयर इज स्टिल वाइड स्प्रेड लिटरिंग और प्लास्टिक वेस्ट, फिर भी कचरा क्या है फैल ही रहा, मतलब सही से मैनेजमेंट नहीं हो रहा तो। फिर कह रहा सिक्किम बैंड पैकेज्ड मिनरल वाटर यूज फ्रॉम जनवरी 2022। तो जनवरी 2022 से सिक्किम ने क्या किया, जो मिनरल वाटर हम लोग पीते हैं ना बोतल में, इसको बैन कर दिया गया पूरी तरह से, एंड हैज ए फेयरली रोबस्ट रेगुलेटरी सिस्टम, बट इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल प्लास्टिक वेस्ट द स्टेट इज स्टिल ग्रैपलिंग विद दिस इशू। अब देखिए क्या कर रहा है कि कह रहा है कि कानून तो बहुत सख्त है, स्ट्रांग है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं, इसकी वजह से अभी भी जो सिक्किम है इस मुद्दे से अभी भी जूझ रहा है, मतलब अभी भी फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स को कचरे से रिलेटेड। फिर उसी तरह से बात, अच्छा तो उसमें क्या जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कहाँ पे मैनेजमेंट करना है, कहाँ पे रिसाइकल करना है, ये सब सारी चीजें। अब कहता है मिजोरम हैज बीन प्रोएक्टिव ऑन द रेगुलेटरी फ्रंट, द आइजोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेड बाय लॉज अंडर PWM इन 2019। तो मिजोरम ने क्या किया, ये इस पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो PWM मतलब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2019 रूल्स को अच्छे से फॉलो कर रहा है। त्रिपुरा हैज मेड पॉलिसी चेंजेस, त्रिपुरा ने कुछ पॉलिसी चेंज किया, जैसे इनेक्टेड म्यूनिसिपल बाय लॉज एंड हैज ए स्टेट लेवल टास्क फोर्स टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक, थाउ द रिजल्ट्स आर नॉट विजिबल। अब त्रिपुरा ने भी क्या किया, तो म्यूनिसिपल के द्वारा जो है इस कानून को सख्त करने की कोशिश की गई कि ताकि प्लास्टिक का एलिमिनेट हो सके, लेकिन फिर भी क्या हुआ, रिजल्ट कुछ अच्छा खास नहीं, मतलब कि दुनिया की पूरी समस्या है और जो हमारा मराइन इकोसिस्टम है ना ये बहुत बर्बाद हो रहा है। पहले हिमालयन, देखिए हिमालयन रीजन तो बर्बाद हो ही रहा, जो मराइन इकोसिस्टम है वो भी, तो जितने सारे ऑर्गेनिज्म किसके अंदर, मराइन के अंदर, वो सब डिस्टरबेंस हो रहे हैं, क्योंकि जब वो इनहेल करता है तो बॉडी पार्ट्स में जाएगा तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत होगा, तो ऑब्वियसली मर जाएगा। कुछ बोल रहे थे, बोलिए। यस सर।
सर सिर्फ मिजोरम ही खाली अच्छे से फॉलो कर रहा है ना, जो उन्होंने लॉज वगैरह बनाए, बाकी ठीक ठाक सिक्किम चल रहा है अच्छा बाकी। वहीं पे थोड़ा अच्छा चल रहा है, बाकी जगह पे थोड़ा कम ना सर। अब देखिए ओके पाकिस्तान के जो है नए पीएम बने हैं, उनका नाम है शहबाज शरीफ। थोड़ा सा प्रीलिम्स पर्पस से याद रखिएगा, और थोड़ी देर के बाद जो है आपको क्या कहते हैं एमसीक्यू से रिलेटेड जो वीडियो मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी डाल देंगे। प्लीज थोड़ा सा लाइक ठीक ना, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कल मिलते हैं।